रहमतुल्लाहि बरकातहू। 100 दिवस वाचन अभियान, 100 रोज़ा बुनियादी खंदगी मुहिम, 10वां हफ्ता मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, और उसके बाद का टॉपिक है नाना दादी की कहानियाँ गीत। इसमें तो सिर्फ कहानियाँ लिख दिया गया है, हम उसमें एक नया पॉइंट ऐड किए हैं गीत का, तो बच्चे नानी दादी के ज़रिए पर हमारे यहाँ पर नज़म और गीत सुने हैं, वो भी पेश करेंगे। तो उसमें लिखा गया था कि हर तालिब इल्म नदी, दरख्त, गेहूं के पौधे वगैरह का किरदार पर तारुफ़ हासिल करते हैं और इनकी ज़िंदगी को सफ़र को मुकम्मल करते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ चिट्ठियाँ लिखी हैं, चिट्ठी में नाम है और यहाँ पर कुछ उसके तस्वीर हैं। यहाँ पर हमारे बच्चे जो खड़े हैं, जिसे हम बुलाएंगे वो बच्चा आएगा, यहाँ पर सबसे पहला चिट्ठी उठाएगा और उसके बाद में इस तस्वीर को अपने गले में बांध कर उसके बारे में मालूमात देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वासिया, आपको इसमें से सबसे पहले एक चिट्ठी लेना है। क्या है चिट्ठी में? बारिश। बारिश, तो आपको यहाँ से एक तस्वीर उठानी है बारिश की। गले में पहनो उसे। तस्वीर का नाम क्या है? बारिश। बारिश। और टॉपिक आपको कौन सा मिला है? बारिश, बारिश। तो बोलो उसके बारे में। बारिश, बारिश का नाम सुनते ही हर किसी के जहन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बारिश हमारे लिए बहुत अहम है, बारिश के बगैर अनाज नहीं उग सकता और अनाज हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। सूखे तालाब और नदियों में बारिश आते ही पानी भर जाता है और पानी की कमी पूरी होने लगती है। हर उम्र के लोग बारिश का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बारिश के बाद ये चारों तरफ हरियाली नज़र आती है, ज़मीन खूबसूरत लगने लगती है, खेतों में फसलें हरी हो जाती है। ज़्यादातर किसान बारिश का इंतज़ार करते हैं, अगर बारिश ना हुई तो फसल अच्छी नहीं होती। शाबाश, तालियां बजाओ। उसके बाद में शारिया, चलो शारिया, हाँ जो चिट्ठी का वो है उधर बाजू, उसमें से जो चिट्ठी पसंद है वो लो। क्या है? डॉल्फिन। रखो, डॉल्फिन की तस्वीर लो उसमें से। है क्या डॉल्फिन? गले में पहनो। तस्वीर कौन सी है वो? डॉल्फिन। तुम्हें कौन सी चिट्ठी मिली? डॉल्फिन। हाँ, तो किसके बारे में बताने वाले हो? डॉल्फिन। तो शुरू करो। डॉल्फिन एक समुद्री जानवर है जो इंसानों से बेहद ज़्यादा मानुष होती है। डॉल्फिन की लंबाई 6 से 12 फीट तक होती है और वजन 650 से 650 किलोग्राम होता है। पेट का रंग सफ़ेद या हल्का गुलाबी होता है। जिल्द चिकनी होती है। जबड़ा बड़ा होता है। सामने 3 इंच लंबी थोथनी होती है। सिर पर सुराग होता है जिससे वो सांस लेती है। डॉल्फिन की आँखें तेज़ होती हैं और सुनने की कुव्वत बहुत कम होती है। डॉल्फिन एक बहुत ज़हीन जानवर है। इसका दिमाग इंसान के दिमाग से बड़ा होता है। डॉल्फिन को गुस्सा बहुत कम आता है। डॉल्फिन ये समंदरी जानवर है ना? हाँ। चलो, उसके बाद फातिमा को बुलाती हूँ, उसमें सबसे पहले एक चिट्ठी लेना। चांद की तस्वीर लो इसमें से। तस्वीर किसकी है वो? चांद। गले में बंधो। तस्वीर किसकी है? चांद। चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था? चांद।
तो आप किसके बारे में मालूम होगी? चांद। चांद चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले चांद चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले साइंसदान का नाम नील आर्मस्ट्रांग था। 1970 से अब तक 12 साइंसी चांद पर जा चुके हैं। चांद का सिर्फ 50 से 60% हिस्सा हमारी जमीन से नजर आता है। चांद हर साल हमारी जमीन से 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। चांद पर छोटे छोटे जलजले भी आते रहते हैं। इसकी कशिश शक्ल हमारी कशिश शक्ल से छः गुना कम है। चांद की कोई रोशनी नहीं होती, वह सिर्फ सूरज की रोशनी से रोशन होता है। चांद गोल की बजाय अंडे आकार होता है चांद भी सूरज की तरह मशरिक में तुलू होता है और मगरिब में पोशीदा होता है। चलो ताले बजाओ, उसके बाद मैं मसीरा को बुलाती हूँ। चिट्टू डॉग, शर्म आ रही है? बरसात। क्या है? बरसात। देखा तस्वीर लो सुन की बरसात को गले में बंधो। तस्वीर कौन सी है? बरसात। और चिट्ठी में क्या लिखा था? बरसात। और कौन सा आप बताओगे आज? बरसात हर किसी के लिए, बरसात का मौसम हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बारिश पड़ते ही चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, दरख्त पौधे खिले खिले नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि वो एक बार फिर से जिंदा हो गए हों। बरसात की वजह से लोगों को गर्मियों में राहत मिलती है। जो नदी तालाब सूख गए थे वो बारिश की वजह से फिर से भर पाते हैं। बारिश की वजह से गर्मी ख़त्म होती है, पूरा माहौल इंतहाई सर्द होता है। जो तमाम लोगों के लिए मुसर्रत है। उसके बाद में मैं खंसा को, चलो खंसा शाम। लो इसमें की शाम की चिट्ठी। एक तस्वीर किसकी है खंसा? शाम की। और चिट्ठी में क्या लिखा था? शाम। और किसके बारे में मालूम दोगी? जब सूरज मगरिब की सिमत में झुकने लगता है तो शाम का वक्त शुरू हो जाता है। शाम के वक्त सूरज की तमाजत कम हो जाती है, सूरज नारंगी गोले में तब्दील हो जाता है। आसपास शफक फुलती दिखाई देती है। परिंदे अपने आशियानों की तरफ उड़ते दिखाई देते हैं। चरवाहे अपने मवेशियों को लेकर घर की तरफ लौटते दिखाई देते हैं। माहौल पर एक तरह की खामोशी छा जाती है। सूरज का नारंगी गोला धीरे धीरे पहाड़ की ऊंट में छिपने लगता है। फूली हुई शफक पर सुरमई गुब्बार की परत चढ़ने लगती है। फौरन सुरमई गुब्बार की चादर गहरी होती है। सूरज बिल्कुल छुप जाता है और धीरे धीरे हर तरफ अंधेरा छा जाता है। वेरी गुड, तालियां बजाओ। उसके बाद में गुलजार, गुले गुलजार, चिट्टू टो, क्या है चिट्ठी में? पौधा। लोग पौधा की तस्वीर। तस्वीर कौन सी है? चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था? पौधा। मालूमात किसकी दोगे? आवाज़ ऊंची।
अगर जमीन पर पौधे ना होते तो हर तरफ खाक उड़ रही होती। खूबसूरत परिंदों की प्यारी प्यारी आवाज़ें हमें कहाँ से सुनाई देती। पौधे ना सिर्फ माहौल की आलूगी को बचाते बल्कि ऑक्सीजन पैदा करके फिजा को मादों से भी पाक करते हैं। इन पौधे को कुदरत का हसीन तोहफा कहा जाता है। पौधे कुदरत इनके जरिए हमें जिस्मानी राहत के साथ साथ ज़हनी सुकून भी हासिल होता है। इसीलिए जमीन पौधे को ज़मीन के फेफड़े कहा जाता है। हाँ वेरी गुड, चलो ताले बजाओ। उसके बाद में मैं सूखी आलू की कमी नंबर 4 लोगों की खुशखबरी से।